बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियन। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम आपके साथ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और ये हफ़्ता 6 सितंबर से 12 सितंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, बड़ी तेज़ी से सब्सक्राइब किया और साथ मैसेज भी लिखा है। लेकिन अभी कई स्कॉर्पियन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये आप मोबाइल पर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और आइकन बेल भी दबा दें। इस प्रोग्राम में आपको बड़ी काम की बात मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनको 2 से 3 बातें फालतू काम की मिल जाएंगी और इन्जॉय करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे, दिमाग क्लिक करेगा आपका। तो ये डिपेंड करता है सब्सक्राइब करने पे। एनीओ स्कॉर्पियो, आपका महीना का आगाज़, इस हफ्ते का आगाज़ 11वें घर से, और 11 घर में 3 लॉर्ड्स बैठे हैं, मून भी, मार्स भी और सन भी, यहाँ पर कम्बिनेशन बड़े अच्छे बने हुए। और 11वें का लॉर्ड उठ के 12वें घर में जाए तो कुछ मामला खुफिया भी रखने की कोशिश करेंगे और आपकी ख्वाहिश होगी वो चुपके चुपके हो जाए। किसी आपने यहाँ पर किसी दोस्त के पीछे लग के कोई काम नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई आपका नुकसान हो सके। दोस्त आपको घबरा के यहाँ पर आपकी बड़ों के साथ गेट टुगेदर, बड़ों के साथ इंट्रैक्शन होती नज़र आ रही। 11वां घर आपको पता है एल्डर्स का है, होप्स का है, तो कोई ना कोई आपकी होप्स पूरी होगी। आपका कोई ना कोई, अगर शादी नहीं हुई तो शादी तय हो जाएगी। आपको फॉरेन ट्रैवलिंग है तो फॉरेन ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी होगी, आपकी स्पेकुलेशन बहुत अच्छी होगी। लेफ्ट एयर में कोई प्रॉब्लम आएगा, किसी किस्म की आपको मिजरी नहीं होगी, विशेज कोई पूरी होती नज़र आ रही है, डिज़ायर कोई फुलफिल हो जाएगी। रोल ऑफ वाइफ इन योर डोमेस्टिक इशू बहुत होगी, बहुत बेहतर होगी। बस 2 चीज़ों से ग्रेस करना है। गुस्सा बहुत आएगा, अपने खाम का गुस्से में आके दूसरों को नाराज करेंगे। जब भी सन मार्स और मून इकट्ठा होता है तो इमोशनल बंदा बहुत होता है, गुस्सा चढ़ता है, कंट्रोल नहीं रहता और ज़िद करता है और शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, फाइटिंग स्पिरिट होती है, एम्बिशियस होता है। और जब सन भी साथ आ जाए तो डबल कर लें इसको, हेस्टी पोजीशन हो जाती है, इम्पल्सिव हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है और वो थोड़ा सा डिक्टोरियल एटीट्यूड में चल जाता है, रोप डालने की कोशिश करता है, गुस्सा निकालता है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ों को एतबार बड़ों के साथ खास पर उलझना नहीं, तो बड़े आपसे नाराज़ होकर ना आपका ना जो शादी करते करते आपके खिलाफ हो, नहीं मुंडा ठीक नहीं है गुस्से वाला बड़ा लादा, इसी दिन अपनी कुड़ी नहीं देनी, या लड़की बड़ी गुस्से वाली है इसको मुंडा इसी दिन इतने मुंडा भी आना, वो इस किस्म के प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे आपने स्कॉर्पियन अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, कोई किसी किस्म का अपने ट्रेड में बहुत कामयाबी, बाहर के सफ़र कामयाबी, हर चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा, सब मिट्टी पानी डाल देंगे, हर को मिट्टी डाल देंगे गुस्से की वजह से। फ़ायदा उठाइएगा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि फ़ायदा उठाइएगा, ये दिन बड़े कामयाब होंगे। अगला आपका बहुत अच्छा दिन, 12वां घर 9वां के लॉर्ड, 9वें में वीनस भी, मरकरी भी, मून भी उधर है। यहाँ पे जब 12वें का लॉर्ड 12वें में छोटे से आ रहे हो तो बंदा यहाँ पे अपना बड़े महंगी महंगी चीज़ें, अच्छी चीज़ें खरीदते नज़र आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर करते नज़र आ रहे हैं और लोगों के साथ एक जज्बा एक कायम होगा और आपकी सलीहियत और छठी बहुत तेज़ होगी। यहाँ पे आप काफ़ी रोमांटिक भी होंगे, काफ़ी अच्छा कूल माइंडेड होंगे, एक सफ़र करेंगे, कोई सैर सपाटे पे जाएंगे, यहाँ पे कोई ना कोई आपका गैर मुल्की सफ़र भी बन सकता है। 12वां घर में आप लग्जोरियस आइटम पे पैसा खर्च करते नज़र आ रहे हैं, डिवाइन नॉलेज में आपका हिस्सा रहेगा, आप किसी किस्म के फॉरेन ट्रैवलिंग में आप इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, कोई किसी किस्म की वरीज नहीं है, मेंटल वरीज नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये दिन आपके इसको इंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छा है। 12वां घर होते हुए भी आप यहाँ पर इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। आगे 10-11 आपका असेंडेंट में मून है और 11 को वीनस भी आ जाएगा, गुस्सा आएगा, सब आएगा। पहले का लॉर्ड 11वें में जब आता है तो क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं हमने करना क्या है। तो आप ना फैसला करते हुए अपने बहन भाइयों की तरफ देखेंगे, खुसूसन बड़े बहन भाइयों की तरफ, ख्वाहिश रखेंगे कि उनकी ख्वाहिश कोई बड़ी बहन या भाई पूरा कर दे। और वो ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं जिनको तनकील खुद भी करते हैं जो ज़िंदगी के ऐसे में इससे पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे आपका कोई नेगेटिव इशू बैठा है तो वहाँ पे मून क्योंकि थोड़ा सा स्विंग करेगा, ऐसा लगेगा जैसे बहन भाई आपके साथ नहीं दे रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी, वो ऐसा लगेगा जैसे वो आपकी मदद नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये आपकी सोच होगी। ये 10 तारीख को आप हर चीज़ को परेशानियों के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे
और आपको आपने स्विंग्स आएंगे, लेकिन जैसे ही 11 तारीख आएगी तो आप बहुत ही कूल माइंडेड, बहुत ही आर्ट्स लविंग, अपनी ज़ात पे एक मेडिक्योर पेडिक्योर, अपने अपनी अपनी अबा अपने अपलिफ्ट पे काम करते, अपनी प्लानिंग पे काम करते नज़र, अपनी ज़ात पे काम करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप फिर माहौल बहुत खुशगवार होगा, बहुत बेहतर होगा और बहुत ही इन्जॉय करते रहेंगे। फिर आप यहाँ पे काफ़ी कह लें कि फैशन में भी कपड़े भी अच्छे पहनेंगे, कोई अच्छे कपड़े खरीदेंगे कोई। और 12 तारीख को आप बहुत एक्टिव होंगे, बहुत तेज़ होंगे, दिमाग बहुत काम करेगा, इधर की उधर उधर भाग दौड़, कभी उधर कभी इधर कभी इधर, गुस्सा भी आएगा लेकिन एक्टिव होकर बहुत चलेंगे। सारा दिन काम में मसरूफ रहेगा, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करेंगे, पैसे भी आएंगे तो खर्चने के लिए बेताब होंगे, चल यार पैसे आए मैंने मका भी हमारा, तो पैसे आएंगे उधर खर्च कर देंगे, पैसे आएंगे खर्च कर देंगे, शाम को थके हारे सोएंगे और नींद बड़ी अच्छी आएगी। और फिर यूँ आपका ये हफ्ता पूरा बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। बस आपने एक काम करना है हफ्ते के स्टार्ट में, टेंपर लूज़ नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बाकी पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा है, इन्जॉय कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, ठंडक पैदा करें। गुस्से से क्या होता है, कुछ भी नहीं, दूसरों में कुछ नहीं बिगड़ता, आप अपनी एनर्जी रिसोर्सेज, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपने दिमाग की कैपेसिटी को तबाह करते हैं, लूज़ करते हैं। खुश रहना सीखें स्कॉर्पियो, जिस दिन आप ठंडे हो गए और वो आपकी एनर्जी आपकी पॉजिटिव तीस चली गई तो आप तो आसमान से ताड़े तोड़ के ले आएंगे, जहाँ से भी छलांग मारेंगे नीचे आराम से लैंडिंग हो जाएगी। तो अपने आप को समझें, परखें और काम करें, खुश रहना सीखें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।